गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये आप लोग हमेशा चर्चा में सुनते रहते हैं, तो आज क्या है आखिर, क्यों अभी चर्चा में है, इसे भी देख लेते हैं। इसकी एक सामान्य पृष्ठभूमि भी देख लेंगे हम लोग, क्योंकि आप देखा होगा आपने कि हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। कई बार तो आप देखते हैं कि मेंस में भी लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार प्रीलिम्स वनडे एग्जाम में भी बनते रहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने अपने संबोधन में कहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम में वैश्विक सहयोग की मांग करने वाले मौजूदा समय के प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता है। कोरोना वायरस महामारी ने हमारी परस्परता और एक दूसरे पर निर्भरता को और अधिक स्पष्ट किया है। हालांकि महामारी मौजूदा समय की एकमात्र चुनौती नहीं है, और संपूर्ण विश्व आतंकवाद तथा फेक न्यूज जैसी गंभीर समस्याओं का भी सामना कर रहा है। आप समझिए, आतंकवाद से पहले अमेरिका जैसे देश आतंकवाद जैसी कोई समस्या होती ही नहीं थी, उनके लिए इस तरह का कोई शब्द था ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी दूसरे पर समस्या बीतती है तो हमें मजाक लगता है, लेकिन जब अमेरिका पर हवा एक तरह से आतंकी हमला हुआ, तब अमेरिका को मालूम चला कि हाँ आतंक भी होता है। समझ रहे हैं? तो वो हमेशा आप लोग सोचते रहते हैं कि दूसरे की समस्या क्या लगती है, हम लोगों को मजाक लगता है, और जब अपने ऊपर वो गुजरती है तब मालूम चलता है कि असल में ये समस्या रहती है। इसके अलावा भारत ने जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों का भी उल्लेख किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व वैचारिक आधार पर दो गुटों में विभाजित हो गया। इस वैचारिक युद्ध का एक छोर पर साम्यवादी सोवियत संघ, दूसरे छोर पर पूंजीवादी अर्ध अमेरिका जैसी महाशक्तियां मौजूद थी। आप समझिए कि एक तरफ क्या था, रूस सोवियत, जैसे आज आप लोग संघ रूस कहते हैं ना, इसे पहले सोवियत संघ कहते थे, कई देश इसमें शामिल थे, और दूसरी तरफ था अमेरिका, इसमें भी कई देश शामिल थे। और ये आप जानते हैं कि 1990 में जाकर खत्म होता है, 90-91 की आसपास जाकर खत्म होता है आपका शीत युद्ध। असल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना उपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आजाद हो रहे थे और वैश्विक पटल पर एक नई पहचान प्राप्त करने में लगे थे। भारत भी इन्हीं देशों में से एक था, यानी कि कहने का मतलब कि हम गुलामी से एक तरह से चंगुल से बाहर निकल रहे थे, आजाद हो रहे थे कई देश, उसी समय की बात है। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन देशों ने स्वयं के दो गुटों, सोवियत संघ और अमेरिका से दूर रखा, और एक ऐसे संगठन के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की जो स्वतंत्र और तटस्थ रहने की मांग कर रहा था। इसकी आवश्यकता इसलिए भी थी, आप समझिए कि आप पहले किसी और के घर काम करते थे, या मान लीजिए गुलामी एक तरह से गुलाम थे, आप समझिए वहां से आप कुछ छुटकारा मिला जैसे तैसे आपने संघर्ष किया, और आप जाके दूसरा आपसे कह दे कि आइए आइए हमारे घर में काम करने लगिए, चलिए आइए हमारे गुट में शामिल हो लीजिए। तो एक तरह से कहने का मतलब है कि हम दूसरे के यहाँ गुलामी करने लगे, तो हम नहीं चाहते थे कि गुलामी इस तरह की हमारे ऊपर कोई शासन करे या किसी के अंडर में हम काम करें, तो इसीलिए हम लोगों ने एक तीसरा रास्ता चुना, ना तो हम सोवियत संघ रूस की तरफ रहे और ना ही हम लोग किसके अमेरिका की तरफ रहे, हम लोगों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। हालांकि वर्ष 1955 से पूर्व भी स्वतंत्रता और तटस्थता की मांग की जा रही थी, किंतु अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता की वो और पहला कदम अहम कदम बांडुंग सम्मेलन वर्ष 1950 55 के माध्यम से उठाया गया, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल नासिर सुकर्णो और मार्शल टिटो जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी किया गया था। बांडोंग सम्मेलन के 6 वर्ष बाद सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी तरह के आपको पॉइंट पकड़ना चाहिए और सीख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि पॉइंट देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस बनाना नहीं आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए इसी में आप समझिए कि पूछ लेगा,
कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है तब भी आपको बताना होगा, और इसमें पहली बार कितने देशों ने भाग लिया था, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लिखित में आप लिख रहे हैं, तब भी आप पॉइंट डालना चाहिए, समझ रहे हैं? वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में वर्ष 2018 तक कुल 120 विकासशील देश शामिल थे। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने सदैव एक स्वतंत्र राजनीतिक पथ बनाने का प्रयास किया है, ताकि सदस्य राष्ट्रों को दो महाशक्तियों के विचारी के युद्ध के बीच फंसने से बचाया जा सके। ये दो महाशक्तियां कौन थी? रूस, एक तरह से कहिए आप सोवियत संघ, और दूसरी तरफ अमेरिका। वर्तमान में यह संगठन एक नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास भी कर रहा है, नेम। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें हम लोग, तो शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, साम्यवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करना, और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना। इस तरह से भी याद जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था, और आपको तीन चार कथन देगा देगा और फिर नीचे चार पांच चार विकल्प दे देगा, पूछ लेगा एक दो तीन सही है, दो तीन चार सही है, तो आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान रखा करिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक और इसके सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। वर्ष 1970 के दशक तक भारत ने इस आंदोलन की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, किंतु 1970 के दशक के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की स्थिति बदलने लगी और सोवियत संघ की ओर भारत का झुकाव बढ़ने लगा, जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर छोटे देशों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अंततः इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थिति कमजोर हुई और अधिकांश छोटे देश या तो अमेरिका की ओर या फिर सोवियत संघ की ओर अग्रसर होने लगे। कुछ समय पहले आप देखते थे 1972 का 1971 का युद्ध आप लोगों ने देखा है, जिसमें आपने देखा है कि बांग्लादेश एक नया देश उभर के आया, तो उस समय हम लोग रूस की तरफ एक तरह से हमारा झुकाव था, और पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका का झुकाव इनकी तरफ रहता था। आज आप देखते हैं परिस्थिति बदल रही है, अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ हो रहा है, रूस का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ जा रहा है। तो देखिए बदलता रहता है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं ना कि वो अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मित्रता कोई दुश्मनी नहीं होता है। इसे आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि आज हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, आप देखते हैं कभी बीजेपी इससे गठबंधन कर लेती, कांग्रेस इससे गठबंधन कर लेती, अन पार्टी इससे कर लेती है, कल तक जो गाली दे रहे होते हैं वो शामिल हो जाते पार्टी में, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए तो कहता हूँ कि अपनी स्थिति अपने आस पड़ोस में इस राजनीतिक बुराई मत रखिएगा, क्योंकि आपने कुछ समय पहले देखा था सिंधिया एमपी में, आपने देखा कितनी गाली देते रहे, कितने शब्द बोलते रहे। एक तरह से इसीलिए तो कहते हैं कि नेताओं की बातों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में कहो हो सकता है ऐसा भी संभव हो जाए कि बीजेपी कांग्रेस एक हो जाए। आप कुछ समय के पहले उठा के भाषण देखिए सिंधिया की, और आज की बात देखिए आप लोग, कि जमीन आसमान का फर्क है, किस तरह से आदमी बदल जाता है। वो बदनाम कहते हैं ना कि बदनाम तो एक गिरगिट रंग बनाने के लिए, उससे ज्यादा तो एक तरह से रंग बदलते हैं इंसान। तो अपने आस पड़ोस से हमेशा बनाकर रखना चाहिए। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। यह वह समय था जब भारत ने अर्थव्यवस्था में बड़े आर्थिक सुधार किए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की आर्थिक नीति अमेरिका की ओर झुकने लग गई, जिससे इस आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता पर एक बार पुनः प्रश्न उठने लगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता एक बार फिर संदेह के दायरे में आई, जब 2016 और 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। यह पहली बार हुआ था जब भारत का कोई प्रधानमंत्री गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा था। 2016 की बात है, 2019 की। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति भारत के झुकाव में कमी का कारण क्या है? संकट के दौर में इस आंदोलन के सदस्य देश भारत को अपना समर्थन देने में विफल रहे। उदाहरण के लिए 1962 के युद्ध के दौरान घाना और इंडोनेशिया जैसे देशों ने चीन
समर्थक नीति का अनुसरण किया था। ये 1972 का जो चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ था उसी समय की बात कर रहा हूँ। वहीं 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान इंडोनेशिया और मिस्र ने भारत विरोधी नीति अपनाते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया था। ये 1965 में पाकिस्तान से हुआ था, 1971 का भी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आम सहमति का अभाव दिख रहा है और इसमें शामिल अधिकांश देश आपस में ही गुटबंदी कर रहे हैं। अब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्राथमिक उद्देश्यों में परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति भी शामिल है। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय मुख्यतः उपनिवेशवाद और शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था, किंतु अब दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, जिसके कारण लोग मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। हालांकि अधिकांश जानकार मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी अपने सिद्धांतों के कारण उतना ही प्रासंगिक है जितना कि शीत युद्ध के दौरान था। विश्व शांति। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में विश्व शांति को संरक्षित करने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के सदस्य देश आज भी शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया स्थापित करने के अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी इनमें से एक है। आप समझते ना, ये भारत तो एक तरह से शांति प्रिय देश है। जब तक कोई हमें एक तरह से परेशान ना करे, हम उनसे बात उन्हें भी परेशान नहीं करते हैं। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन करता है और इसके सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता के संरक्षण के विचार को बार बार दोहराया जाता है, जो कि इसकी मौजूदा प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। न्याय संगत विश्व व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक न्याय संगत विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में विद्यमान राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। विकासशील देशों के लिए एक मंच। यदि विकासशील देशों के बीच किसी विशिष्ट मुद्दे को लेकर मतभेद पैदा होता है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन उस मतभेद को हल करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल 120 विकासशील देश शामिल हैं। इनमें से लगभग सभी देश संयुक्त राष्ट्र यूएन के सदस्य भी हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? एक विचार के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि सैद्धांतिक तौर पर यह आंदोलन आज भी अपने सदस्य देशों को उनकी विदेश नीति निर्धारित करने का आधार प्रदान करती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इसकी स्थापना के समय भी की भांति वर्तमान में भी अपने उद्देश्यों में एकरूपता लानी होगी। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों को क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस एक तरह से आप भी देखते हैं, पाकिस्तान को आप देखते हैं, चाइना भी आप देखते हैं, तो इसी तरह की गुटबाजी कर रहे हैं। एक समय आप लोग जानते होंगे कि कहा जाता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी कहा जाता है, विशेषताओं में आप चाइना और भारत की सदी कहा जाता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि चाइना से हमारी नहीं बन रही है, कई देशों से हमारी पाकिस्तान से भी नहीं बन रही है। तो आप समझिए कि अगर सभी एक हो जाते तो आपके पास जनसंख्या भी अधिक है, और जिसके पास जनसंख्या है वो एक तरह से सक्सेस होने में, मतलब सक्सेस होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन दोनों देशों के बीच तालमेल ही अच्छे नहीं है, तो इसलिए पिछड़ते जा रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार संरक्षणवाद और जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये थी कहानी आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम की। इसमें जो भी पॉइंट है आप लोग बड़े अच्छे से याद रख लिया करिएगा, और जब भी आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आप लोग अपने दिमाग में ही इस तरह के क्वेश्चंस पैदा कर लिया करिएगा कि इससे आखिर क्वेश्चंस किस तरह से बन सकता है। तो मुझे लगता है कि बेहतर आपका रहेगा आपके लिए। ठीक है,